नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैत्य चैनल प्रवास 363 में। दोस्तों आज हम खड़े एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि हाँ हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हैं। दोस्तों इस एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप टर्मिनल 2 के नाम से भी जानते हैं। ये एशिया का सबसे बिजेस्ट एयरपोर्ट है और यहाँ पर दिन भर में 950 के आसपास फ्लाइट लैंड होते और टेक ऑफ किए जाते हैं। ये एशिया का सबसे बिजेस्ट एयरपोर्ट भी है। दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है ये 750 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए फ़्लाइट जाती है। ये इंटरनेशनली हर एक देश में यहाँ पर फ्लाइट है और जहाँ पर नहीं जाती है वहाँ पर कनेक्टिविटी फ़्लाइट है इसकी। दोस्तों अगर आप यूके का अगर हीथ्रो एयरपोर्ट देखोगे तो उसी को देख करके या उसी से इंस्पायर होकर के ये एयरपोर्ट बनाया गया है। लगभग आपको थोड़ी सी कॉपी यहाँ पर दिखेंगी उसकी, जिस तरीके के इसका अरेंजमेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें आपको एयरपोर्ट में हर फैसिलिटी आपको दी गई है। आप यहाँ पर बढ़िया सा शॉपिंग कर सकते हो, इंडियन कल्चर को देख सकते हो, इंडियन फूड इंटरनेशनल फूड आप खा सकते हो, अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको दिखेंगे यहाँ पर। अगर आपकी फ़्लाइट डिले है या आपको वेट करना पड़ता है तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया लॉन्जेस है यहाँ पर जहाँ पर आप बैठ के आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया फूड आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। और मैं आपको और एक बात बता दूँ कि पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उससे स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी बढ़िया यहाँ पर अरेंजमेंट की गई है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे अच्छे फूड्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, जो चाहिए आप खा सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक्स के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। और आपकी फ़्लाइट कब आने वाली है कब जाने वाली है सबके सिग्निफिकेशन बोर्ड आपको यहाँ पर दिखेंगे, तो किसी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएंगी। कहीं पर भी आप जाइए ट्रैवल कीजिए। तो दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर लैंड करते हो और अगर आपने शॉपिंग नहीं की है यहाँ पर तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मिस किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया शॉप्स मिलेंगे जहाँ पर आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के स्वीट्स मिलेंगे, कैडबरीज चॉकलेट्स वगैरह आपको मिलेंगे, जिसको आप घर पर लेके जा सकते हो या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स हैं। साथ ही साथ मैं आपको और एक बात बता दूं कि हर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आता है तो ड्यूटी फ्री शॉप ज़रूर देखता है, क्योंकि अगर कोई लिकर के शौकीन है तो उनके लिए बढ़िया जगह है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांड्स मिलती है इंटरनेशनल क्वालिटी के ब्रांड मिलते हैं। जहाँ पर चिवास रेगल हो गई और वेट 69 हो गया, बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स और बड़े बड़े क्वान्टिटी में आप यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों अलग अलग तरीके के आपको वाइन्स दिखेंगे यहाँ पर, जो अगर वाइन पीने के शौकीन हो तो आपको वाइन दिखेंगे, शैम्पेन्स दिखेंगे आपको यहाँ पर, जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यह आपको और किसी वीडियो में शायद देखने ना मिले, मगर इतने नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो जो आपको ब्रांड चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो तो ये इमिग्रेशन काउंटर है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, और इसमें टोटल 61 काउंटर्स हैं। और इमिग्रेशन काउंटर पे आप जा करके आपकी सिक्योरिटी क्लियर करके अगर आप नीचे उतरते हो तो ये आपके बोर्डिंग गेट तक आपको लेके जाता है। देखिए ये जो एक्सीलेटर जो जा रहा है ये नीचे आपके बोर्डिंग गेट तक, ये आपका बोर्डिंग गेट है यहाँ पर। यहाँ से आप आपके इंटरनेशनल फ्लाइट में दाखिल हो सकते हो और काफ़ी सुविधा और काफ़ी सोच समझ के पैसेंजर्स लोगों के लिए बनाया गया है। देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर का नज़ारा है दोस्तों, आप फ्लाइट के अंदर हो। और ये बिजनेस क्लास नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमिक क्लास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पर, फ्लाइट के अंदर जाकर ही आप रिलैक्स हो सकते हो। आपके जो सामान वगैरह आप जो है हैंडी सामान जो है इसको रख करके आप आपकी सीट पे बैठ करके और उड़ान का मज़ा ले सकते हो। तो इस वीडियो में जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हो ये सिंगापुर एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट है। और यू ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहे हमारे चैनल प्रवास 363 को, और अपने कमेंट्स बिल्कुल इस वीडियो में आप डालिए कि आने वाली वीडियो में हम आपको और से बेहतर एयरलाइंस और बड़े अच्छी अच्छी जगह हम आपको दिखा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रवास।